हेलो स्टूडेंट्स, सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं। और आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया से तैयारी कर रहे होंगे। मेरे बच्चों, ये दिवाली ऐसी है जो सिलेक्शन वाली है, और मुझे लगता है मैम पिछली दिवाली को भी सेम सीन था, और बच्चे मतलब इस टाइम पे तैयारी कर रहे थे, तैयारी शुरू कर दी थी बच्चों ने, क्योंकि कहीं ना कहीं पेपर आने वाला था। सेम वही है, मतलब एक साल बाद हम लोग फिर उस मैदान में उतरे हैं जहां पर आर्मी की वर्दी पहनने की तैयारी चल रही है। तो सबसे बड़ी बात, मैं बहुत कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगा, इसके बाद कुछ चीजें आपसे डिस्कस करेंगे, कि पहली बात तो ये है कि आखिर भर्ती कब आ रही है। बच्चों देखिए, अगर आप पुराने शेड्यूल को भी देखें तो दिसंबर फर्स्ट वीक से आपके फॉर्म भरना शुरू होंगे, ये एक्सपेक्टेड है। और कहीं से मतलब सही जानकारी है, कहीं से नहीं, सही जानकारी है, एग्जाम आपका मार्च अप्रैल 2024 में होगा, क्योंकि मैम वही एक टाइम होता है जब एग्जाम होता है। तो सिंपल सी बात है कि आपके पास 4 से 5 महीने, इन 5 महीने में इन्हें सिलेबस भी कंप्लीट करना है मैम, टॉपिक वाइज भी पढ़ना है, थोड़ा सा सच अगर सुन लोगे बच्चों तो निश्चित रूप से आप सफल हो जाओगे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमें मैम वो बातें नहीं करनी है कि लास्ट में 20 मॉक टेस्ट लगा लेना, तुम्हारा सब कुछ हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा, ये कन्फर्म है, लेकिन होगा तभी जब आप अभी सिलेबस कम्प्लीट, पहले से अगर आपकी तैयारी, अगर आपने थ्योरी पढ़ रखी है अच्छे से, सिलेबस कम्प्लीट कर रखा है, बिल्कुल। तो सिंपल सी बात है, तब आपके मॉक टेस्ट काम करते हैं। तो बच्चे, आपके इसी चीज को और सरल बनाने के लिए हम लोगों ने विराट 4.0 या चेतक बैच लॉन्च किया, एकदम जीरो से पढ़ा, एकदम जीरो लेवल से। मैम हम लोग बिल्कुल एकदम बढ़िया से बोल्ड PDF दे रहे हैं, इसके अलावा और भी कुछ इनको एक्स्ट्रा कंटेंट दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल सर, ये PDF से नहीं पढ़ना चाहते तो इन्हें लिख के पढ़ाया जाता है, लिख के पढ़ाया, हर चीज आपके क्लियर होती हुई चले, बिल्कुल। तो उन सभी चीजों को हम लोग क्लास पे एकदम बेसिक टू एडवांस पढ़ाते हैं, ट्रिपल लाइन में ये बैच था। इवन ये बैच आपको अगर बात करें तो 1999 में था, 1999 में था, मतलब 4 डिजिट। आज की डेट में दिवाली ऑफर पर केवल 3 डिजिट रह गए, मतलब आपको ये बैच मात्र 499 में मिल रहा है। लेकिन ये सिर्फ दिवाली का ऑफर है, मैं आपको बता दूं, 9 से 11 नवंबर, आपके पास समय बहुत कम है, यानी कि आपके पास 9 से 11 नवंबर 3 दिन का समय है। अब आपके पास 3 दिन बचे भी नहीं है, तो सिंपल सी बात है कि आप अभी जाइए और इस बैच को ज्वाइन करिए, दिवाली ऑफर में है, दिवाली 75, ये कोड जरूर यूज करना, नहीं तो 1999 में ही मिलेगा, कैपिटल लेटर में आपको कोड यूज करना है, और जल्दी से 75% डिस्काउंट लेकर अपनी तैयारी शुरू कर दो। और मैंने कहा ना, अगली दिवाली जो आपकी होगी वो सरकारी नौकरी वाली होगी, बर्दी वाली होगी, ठीक है। और कुछ मैम बच्चों के से कहना चाहेंगे कि दिवाली कैसे मनानी चाहिए, और मुझे लगता है पेरेंट्स की हेल्प जरूर करनी चाहिए। बिल्कुल हाँ, देखिए ये तो मैं 2-3 दिन से बता ही रही हूँ कि भाई एक तो क्या है, एक तो आपको ख्याल रखना है कि अपने स्टडी को भी मैनेज करना है, और जो आपका सेलिब्रेशन है वो भी आपको करना है, यानी कि जरूरी नहीं है 6-7 घंटे पढ़े फेस्टिव डेज में, तो चाहे आप 2 घंटे पढ़े, 3 घंटे पढ़े, बट पढ़े जरूर, क्योंकि अगर 3-4 दिन का आप गैप कर देंगे तो पिछला वाला सब कुछ आप भूल जाएंगे। अगर आप 1-2 घंटे पढ़ेंगे, 15-15 मिनट, आधे आधे घंटे भी एक सब्जेक्ट को देंगे, तो आपकी चीजें रिवाइज होती रहेंगी। और अपना ख्याल रखना है, सेफ तरीके से आपको फेस्टिवल सेलिब्रेट करना है। हम क्या होते हैं कि हम एकदम जोश में होते हैं, फेस्टिवल की एकदम धुन हम पे सवार होती है, तो हम थोड़ा अनसेफ हो जाते हैं। तो एकदम सेफ तरीके से दिवाली आपको सेलिब्रेट करनी है, क्योंकि भाई अगर एक भी दिन आपका मिस हुआ, एक भी दिन की स्टडी मिस हुई, तो बहुत आपका लॉस हो जाएगा। और साथ के साथ पेरेंट्स की हेल्प करनी है, अच्छे से आपको फेस्टिवल को सेलिब्रेट करना है। तो हमने तो आपको गिफ्ट दे दिया है, ठीक है, और ये गिफ्ट आपका अपनी साइड से खुद के लिए रहेगा। तो इस दिवाली ना थोड़ी सेल्फिश हो जाओ कि भैया खुद को गिफ्ट दे रहा हूं, अपना बैच परचेज कर रहा हूं, तभी जो आगे वाली दिवाली है उन दिवालियों पे सबके लिए गिफ्ट खरीद पाओगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैम ने बहुत बड़ी बात कही थी, और इसमें सबसे अच्छी बात कही है कि आपको इन 4 दिनों में चुप नहीं बैठना है। हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको YouTube पर क्लासेस भी दें, तो आप वही क्लास लेते रहे, मुझे लगता है वही मोर देन सफिशिएंट है। तो सिंपल सी बात है, अपनी तैयारी में लगे रहो बच्चों। दिवाली के बाद हम लोग बहुत जबरदस्त तरीके से यूट्यूब पर भी महासंग्राम करने वाले हैं, एप्लीकेशन पर तो हम पूरा एकदम महायुद्ध करते हैं एकदम बेसिक से। तो ये आपके लिए बहुत जबरदस्त ऑफर है, आप इसका जरूर लाभ उठाएं। मेरे बच्चे अगर आप देखें तो 599 में भी 1 रुपए कम है, ठीक है, वो 1 रुपए जब आप लक्ष्मी जी की पूजा करना तो वहां पर चढ़ा देना, और उस 1 रुपए को चढ़ा के कसम खाना कि अगली जो दिवाली आएगी ना, एक नहीं, अब की बार 1 लाख रुपए से आपकी पूजा करूंगा।
तो इस चीज को अपनी तैयारी को बना लो, मेहनत कर लो। मेरा आपसे एक प्रॉमिस है कि ये वैसे मुझे कहना तो नहीं चाहिए लेकिन तब भी मैं कह रहा हूँ कि ये 499 कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं। अगर बहुत बड़ा अमाउंट लग रहा है तो मैं आपसे कहूंगा बिल्कुल बेच मत लेना, लेकिन अगर तुम्हें लग रहा है कि ये आपका सिलेक्शन दिला सकता है, ये मेरा वादा है कि अगली दिवाली तुम वर्दी में ही मनाओगे अगर तुम इस बैच के साथ जुड़कर अपनी तैयारी शुरू कर दी। और एक बात और आपसे कहना चाहूंगा कि किसी भी तरह की नेगेटिविटी में ना फंसे, कोई भी तरह की, कि हम किसी को 1 लाख दे देंगे, 2 लाख दे देंगे, वो कह रहे सर हम सिलेक्शन कर, इस समय दलाल बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, इन सब चीजों से बचना है। मैं कह रहा हूँ भाई आप कैपेबल है, आप मेहनत कर सकते हैं, तो अपने बल पे नौकरी लो। बिल्कुल, हजारों बच्चों ने लिए मैम, हजारों बच्चों ने, ऐसे ऐसे बच्चों ने कि सच में आप यकीन नहीं करेंगे कि जिनके पास कुछ भी नहीं था, मजदूरी करके बैच परचेज किया था, यकीन मानो। मुझे कभी कभी बड़ा मैं इमोशनल हो जाता हूँ, जिनके माँ बाप ने मजदूरी की, बेचारे उन्होंने 499 का बैच परचेज किया, 799 का बैच परचेज किया, आज वर्दी पहन चुके हैं। तो आप ही वर्दी पहनने की दिशा में है, तुरंत जाइए एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पर, दिवाली 75 कूपन कोड यूज करके बैच परचेज कर लो। पटाखे थोड़े कम लेना, तभी आगे पटाखे मिलने वाले हैं। जब अगली दिवाली हो तो दिवाली पे भाई पूजा होती है ना लक्ष्मी जी की, तो जो आपकी सैलरी होती है वो थाली में रखी जाती है, तो अगली दिवाली पे थाली एकदम भर जानी चाहिए, ऐसी तैयारी आपको करनी है। ठीक है बच्चों, फिर से एक बार आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, आप सभी का दिन मंगलमय हो, भगवान राम आपके जीवन में जिस तरह से कहते हैं ना दिए का प्रकाश पूरे घर में अंधकार में उजाला कर देता है, उसी तरह से प्रभु राम आपके जीवन में भी उजाला करें, आपके सभी सपनों को पूरा करें। एग्जामपुर आर्मी एग्जाम की पूरी टीम की तरफ से, हमारी और मैम की तरफ से आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। अपने परिवार का ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खूब एकदम गट्टा नमकीन और जो भी है लैया करिए और मजे करिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।